नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और न्यूज 11 भारत पर हम दिखा रहे स्पेशल कवरेज दुर्गोत्सव की, जिसमें राजधानी रांची के तमाम पंडालों के दर्शन हम आपको कराएंगे। वहां पर मौजूद मां के दरबार में आपको लिए चलेंगे। और इसी कड़ी में हम बता रहे हैं आपको कि एक एक करके तमाम पंडालों के पट खुलते चले जा रहे हैं। और अभी हमने आपको दिखाया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ आरआर स्पोर्टिंग क्लब पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने पंडाल का उद्घाटन किया है। तो अब जो भक्त है वो धीरे धीरे मां के रंग में रंगते चले नजर आ रहे हैं। पांचवा दिन था स्कंद माता की आराधना की जाती है। और इसी कड़ी में स्कंद माता यानी कि पंचमी के दिन आरती के पांचवें दिन अब लगभग सारे पूजा पंडाल के पट खुल गए। और इसी कड़ी में जो क्या आम क्या खास मां के दरबार पहुंच रहे हैं, मां से कामना कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए कि मां के कामना मां का आशीर्वाद मिल जाए, मां से ही कामना है। और देखिए आरआर स्पोर्टिंग क्लब की वो तस्वीर जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने यहां पर पंडाल का उद्घाटन किया, मां का आशीर्वाद लिया अपने पूरे परिवार के साथ, मां के दर्शन किए, मां से कामना की राज्य की खुशहाली को लेकर। और अब यहां से वहां उन्हें सम्मानित भी किया गया। और यहां से अब मुख्यमंत्री रवाना होने जा रहे हैं, संभवतः दूसरे पंडाल पहुंचेंगे, क्योंकि आज तमाम पंडालों को जो उसका पट खोला जा रहा है। और इसी कड़ी में तो मां जगत जननी की कृपा सब पर बरसे, यही कामना करते हुए सभी लोग नवरात्र कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। और कई तरह के संदेश इन दुर्गा पूजा पंडालों के जरिए भी देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो है मां दुर्गा की पूजा का, वो ये है कि स्त्री शक्ति को आप समझिए, पहचानिए। अगर भूल गए तो फिर से याद कीजिए कि ये मां दुर्गा काल्पनिक नहीं है, ये मां दुर्गा हर एक स्त्री में, हर एक महिला में, हर बहन बेटी मां सब में मौजूद है और ऊर्जा का स्रोत है। जो मां दुर्गा है वो ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जब कुष्मांडा के बारे में आप पढ़ते हैं, यानी कि जब नवरात्र में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है, उसी दौरान यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि मां कुष्मांडा ने ही अपने मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना की। और उसके बाद का दिन आता है स्कंद माता का, जब वो तमाम लोगों की स्थापना कर जाती है। तो ये वो बताता है कि ऊर्जा का स्रोत है ये जो मां जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर ये हैं तो ही सृष्टि है, तो ही हम हैं, आप हैं, पूरा जीवन है। अगर स्त्री शक्ति नहीं, मातृशक्ति नहीं, तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करते हुए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसद संजय सेठ रांची लोकसभा के और राज्यसभा सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद हैं। तो न्यूज 11 भारत आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जिस तरीके से कोरोना काल में हमने पूजा को किया, यानी कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से, छोटे प्रारूप में, छोटे स्तर पर किया, इस बार भव्यता उससे ज्यादा हो गई है। लेकिन इसके साथ ही लोगों से यह गुजारिश रहेगी कि तमाम नियम कानूनों का वो पालन करते रहें। नियम कानून का पालन करना है, साथ ही बेवजह आपको भीड़ नहीं लगाना कहीं पर। अगर आप पूजा पंडाल देख लेते हैं, मां के दरबार से होकर आ जाते हैं, तो वहां से आप निकलिए, वहां से निकलिए, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, तो नियंत्रण जो भीड़ का वो खत्म होने लगता है। तो ऐसे में जाम कहीं ना लगे, सारे बच्चे जो हैं, सारे जो श्रद्धालु हैं वो मां के भक्त हैं, तो ऐसे में सबको वो मौका दीजिए बारी बारी से। और राकेश का रुख कर लेते हैं हम, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश का रुख करते। राकेश, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या सूचना है? आरआर स्पोर्टिंग क्लब से तो रवाना हो चुके मुख्यमंत्री।
नहीं बिल्कुल, देखिए पंकज, कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री जो है वो हरमू रोड स्थित ये जो पंच मंदिर, मेरे पीछे का जो पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ पहुँचेंगे और पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पहुँचेंगे, माँ का दर्शन करेंगे। और इससे पहले चूंकि विधिवत तौर पर उनको ही उद्घाटन करना है, और पंकज मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीते 15 साल से मुख्यमंत्री इस पूजा पंडाल का उद्घाटन करते रहे हैं, क्योंकि मुख्य संरक्षक भी हैं वो इस पूजा पंडाल का, तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री ही यहाँ पहुँचते हैं और हर बार उनके ही हाथों से पूजा पंडाल का उद्घाटन किया जाता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही क्षण में आप कह सकते हैं कि 2 से 4 मिनट का ही वक्त होगा पंकज, और उस दरमियान मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ इस पूजा पंडाल में मौजूद होंगे, माँ के आगे सर झुकाएंगे, राज की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी, और जो राज्य में एक अमन चैन का माहौल बने उसको लेकर दुआ की जाएगी। तो अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का, और काफी भीड़ है। देखिए आमतौर पर पंचमी को इस तरह का क्राउड नहीं होता है, लेकिन राजधानी के ज्यादातर जो पंडाल हैं, जो बड़े पंडाल हैं, उनका पट जो है वो आज से ही खोल दिया गया है, लिहाजा जो श्रद्धालु हैं जो माँ के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल कर पहुंच रहे हैं, तो उनकी तादाद अच्छी खासी देखने को मिल रही है पंकज, लोगों की भीड़ है। और कहीं ना कहीं जो 2 साल कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पाए, इस पूजा का आप कह सकते हैं कि आनंद नहीं ले पाए, माँ का दर्शन नहीं कर पाए, तो वैसे लोग इस बार पूरे उत्साह के साथ, पूरे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस जो रंग होता है दुर्गा पूजा का, उस रंग में पूरी तरीके से खुद को जोड़ते हुए, खुद को सराबोर करते हुए वो अपने घरों से पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और सिक्योरिटी देखिए पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, चूंकि मुख्यमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पहुंचेंगे, तो इस लिहाज से सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट है, तो इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। आपने तो जाहिर सी बात है 2 सालों का ये उत्साह जो था वो लोगों ने दबा कर रखा था, वो उत्साह उबाल मारा, और यही वजह है कि तमाम व्यवधानों के बावजूद, मौसम की समस्याओं के बावजूद, बहुत सारे बारिश के, लगातार बारिश के बावजूद पंडालों को तैयार कर लिया गया, और पंचमी से ही आपको दिखा रहे कि पंचमी से ही दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों की जो भीड़ है वो पंडालों में पहुंचने लगी है। हम रुक कर लेते रेलवे स्टेशन के पास का भी, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश, आप क्या दिखा पा रहे, क्या तस्वीर वहां पर है, कैसा है दरबार माँ का वहां पर, जहां पर आप मौजूद हैं, और हो क्या रहा वहां पर, कुछ खास चीज दिख रही है हमें वहां? झारखंड राज्य देखिए, अभी कुछ मिनट पहले इस पंडाल का रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति और उसका उद्घाटन सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और लोकसभा के सदस्य रांची के सांसद संजय सेठ ने किया है। तो ये अभी बैठे हुए हैं और अभी उद्घाटन फीता काट कर किया गया है। अभी पंडाल के अंदर सामाजिक कार्यों में तुरंत अपने, और इसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ डांडिया का भी प्रदर्शन होगा, और उसके जो लोग है वो तैयार है करने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये कार्यक्रम सभी अतिथियों का। राजेश, अभी आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से हम राकेश के पास चलते हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है हरमू पंच मंदिर स्थित पूजा पंडाल के पास, तो सीधे एक बार फिर से हम राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, अब देखिए काफिला पहुंच गया है मुख्यमंत्री का। तो बिल्कुल देखिए, जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल आ चुका है, मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है, और हम सीधी लाइव तस्वीरें यहां से जो है वो दिखा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री जो है वो अब गाड़ी से उतर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ है। तो ये एक अच्छी तस्वीर कि पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। हम चाहेंगे कैमरामैन से जरा तस्वीर दिखाएं, कैमरामैन हमारे जो दीपक हैं। तो जो जिस पल का इंतजार किया जा रहा था पंकज, वो पल आ चुका है, मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ, उनके दोनों बच्चे जो हैं दो बेटे वो भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो अब विधिवत तौर पर इस पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा, और अभी जो परंपरा होती है, जो परंपरागत तौर पर जो स्वागत किया जाता है मुख्यमंत्री का, तो पूरे परिवार का स्वागत किया जा रहा है, मुख्यमंत्री सहित उनकी जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन का भी स्वागत किया जा रहा है, और इस स्वागत के बाद सीधे मुख्यमंत्री जो है वो पंडाल की तरफ बढ़ेंगे पंकज, जहां विधिवत पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा, और उसके बाद ये जो पंडाल है यहाँ श्रद्धालुओं की जो है एक तरीके से खोल दिया जाए। देखिए लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो भीड़ पहुंची है, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनका हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जो है वो अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तो हम लाइव तस्वीरें लगातार
दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें सर हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो पूरा परिवार पहुंचा है और देखिए फूलों की बारिश हो रही है, तो ये एक अपने तरह की एक अलग अनुभूति होती है और संघ के साथ चूंकि राज्य के मुखिया पहुंचे हैं तो इस लिहाज से उनका स्वागत उसी अंदाज में किया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है, जयकारा भी लगाया जा रहा है, माँ का जयकारा लगाया जा रहा है, माँ के जयकारे के साथ तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पंच मंदिर हरमू पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने विधिवत तरीके से फीता काटकर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है और अब मां के दरबार के अंदर पहुंचे हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बच्चे भी मौजूद हैं, साथ ही विनोद पांडे को हमने देखा, मनोज पांडे मौजूद है, यानी कुल मिलाकर यहां पर अब विधिवत उद्घाटन हो गया है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर मां की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए कामना करेंगे, सुख समृद्धि की कामना करेंगे राज्यवासियों के लिए और उसके बाद ये पूरी तरीके से अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन यहां पर मौजूद है, मां की पूजा करते हुए अर्चना करते हुए आराधना यहां पर की जा रही, मुख्यमंत्री यहां पर पारंपरिक तरीके से यहां पर पहुंचे, पारंपरिक पोशाक में है और उद्घाटन भी किया विधिवत तरीके से परंपरागत तौर पर फीता काटकर और इसके बाद अब पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जानकारी वो दे रहे थे किस तरीके से यहां पर फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री देखिए अवलोकन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं क्योंकि ये जो कलाकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो अपने अपने कल्पनाओं को पंख देते हैं। इन पंडालों की सबसे खास बात यह है कि देखिए कई बार तो ऐसा जरूर होता है कि कई पंडाल ऐसे होते हैं जो मौजूदा जो हमारे धरोहर होते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स होता है, कोई ऐतिहासिक स्थल होता है, कोई प्राचीन इमारत होती है उस पर बनी होती है और कई बार ऐसा होता है कि अपने कल्पनाओं के जरिए वो आकार देते हैं, अपने अपने अपनी सोच को पंख देते हैं और वही देखिए अवलोकन करते हैं मुख्यमंत्री यहां पर और फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया, सबका अभिवादन करते हुए मां की पूजा करने के बाद अब अवलोकन कर इस पंडाल का कारीगरों की कारीगरी को देख रहे हैं और यही सबसे खास बात होती है उन कारीगरों की, ये सफल हो जाता है, उनकी पूरी मेहनत सफल हो जाती है जब कोई खास शख्स पहुंचता है और सूबे का मुखिया हो और वो पहुंच रहा है यहां पर और वो अवलोकन करते अगर तारीफ करता है तो ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा तोहफे की तरह होता है। ठीक है वो लगातार मेहनत करते हैं तो उनका मेहनताना उन्हें मिलेगा, लेकिन बावजूद जब तारीफ होती है, लोग जब तारीफ करते हैं, उनकी मेहनत को सलाम करते हैं तो उनकी जो कारीगरी होती है, उनका जो कलाकार हृदय होता है वो काफी खुशियों से गदगद हो जाता है और उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई और उन्हें लगने लगता है कि हाँ वो जिस सेक्टर में काम करें, यानी कि जिस कला जगत में काम कर रहे हैं, जिस कलाकारी को वो मूर्त रूप देते हैं पंडालों के जरिए अपने, तो वो उनकी जिंदगी जो है वो सफल हो गई, यही सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ी नेमत होती किसी भी कलाकार के लिए। अगर राकेश सुन रहे हमें तो राकेश से हम फिर से वहां के बारे में और जानकारी भी देंगे साथ साथ में कि फिलहाल और क्या क्या और कितने देर मुख्यमंत्री यहां पर समय गुजारेंगे। का आशीर्वाद लेने के लिए माता के पास परिवार के साथ मुख्यमंत्री ले रहे हैं और निकलने का समय हो चुका है तो वहां से सीधे निकलेंगे। इसके बाद जो मुख्य स्टेज बना हुआ है वहाँ तकरीबन 500 साथी है जो है वो मुख्यमंत्री समय व्यतीत करेंगे, जो श्रद्धालु जो लोग कैसे है दूर दराज से उनको हो सकता है मुख्यमंत्री संबोधित भी करें, कई बार मन से मुख्यमंत्री संबोधित भी करते नजर आए हैं। तो फिलहाल माँ का दर्शन हो चुका है, माँ का परिवार मुख्यमंत्री ने प्राप्त कर लिया है पूरे परिवार के साथ और अब वहां से निकलेंगे और उसके बाद
ये मुख्य स्टेज बनाया गया है, वहाँ वो कुछ देर अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसमें श्रद्धालु कुछ देर आप जाए हैं और उनके साथ इस सत्र संबोधित करेंगे। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, देखिए हम स्टेज दिखा रहे हैं, संतरी निकल चुके हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, उनसे बात करने की, क्या उन्होंने माफी मांगा राज्य के लिए। तो ये एक हम कोशिश जरूर करेंगे। पंकज तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हरमू के पंच मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो ये बहुत खास मौका होता है जब परिवार के साथ ऐसे लोग शामिल निकाल पाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेना है तो परिवार के साथ पहुंचे हैं और किस तरफ से वो निकलते हैं ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से जो अंदेशा था पंकज वो बिल्कुल उसी तरीके का है और हम कोशिश करेंगे जब मुख्यमंत्री पूरे से पास आ जाए तो कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। क्या माना हमारे कैमरामैन दीपक, हमारे कैमरामैन कहेंगे दीपक। तो दिग्राजी के पंच मंदिर में मुख्यमंत्री का सम्मान भी हुआ है जब उन्होंने उद्घाटन कर लिया, मां की पूजा अर्चना कर ली और उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। पूरे राज्य के लोगों के लिए एक खुशहाल सुखमय जीवन लोग जिए, माता से ये हम सभी के लिए मांगते हैं। तो देखिए आपने सुना होगा, भगवती से प्रार्थना है कि हमारा झारखंड विकसित झारखंड हो, शिक्षा से युक्त झारखंड हो, विकास से युक्त झारखंड हो। और इतना रंग बिरंगा माहौल देख करके सबके मनों में जो भी छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी हैं, जिनकी सबकी इच्छाएं हैं, माता रानी सबको आशीर्वाद दे करके सबकी इच्छाओं को पूरा करें। बस यही चाहते हैं कि सबके चेहरों में ऐसी खुशी रहे, सब लोग खुश रहें और सबका घर एकदम खुशहाली से भरा रहे। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, झारखंड के सभी झारखंड वासियों को, पूरे दुनिया के सभी लोगों को हमारे दुर्गा उत्सव दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग, आप लोग माता रानी का मंगलमय, सब परिवार पे, हर किसी पे, एक एक प्राणी पे, जीव पे, सब पे आशीर्वाद बना रहे, आप सभी का धन्यवाद। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी राज्यवासियों की सामुदायिक कामना की। और अब देखिए हम आपको स्टेशन रोड लिए चलते हैं। आज झारखंड में एक नई छटा और हर साल नए रूप में भव्य माता के इस पंडाल में, जब माता इस पृथ्वी पे 25 तारीख को जब महालया से हम लोग आह्वान किया, माँ इस पृथ्वी पर आई और इस कार्यक्रम में हम सबके नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस पूरे आयोजन में जिन्होंने 70 साल की इस पूजा को आगे बढ़ाया, ऐसे छोटे भाई मुनचुन जी, भाई संजीव विजयवर्गीय जी, हमारे युवा मोर्चा के अच्छा अमित जी, नाहक जी, हमारे छोटे भाई कुणाल अजमानी जी, हमारे बड़े भैया हीरालाल साहू जी, अनीता वर्मा जी, मदन केसरी जी, इतने भैया लोग उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से रांची वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। 2 साल बाद जो रौनक दिख रही है, आज से ही लाखों लोग सड़क पर हैं, माँ की आराधना कर रहे, माँ की स्तुति कर रहे, हम सब, हमारी बहन बेटी लोग उपवास रख रही,
हम तो ये प्रार्थना करना चाहेंगे, माँ से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, माँ आशीर्वाद दो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, माँ आशीर्वाद दो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया का सिरमौर बने, माँ आशीर्वाद दो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि दुनिया में विकास की और गति बढ़ाए और भारत निरंतर ऐसे ही विकास गति में आगे बढ़े, झारखंड हमारा, रांची लोकसभा हमारा और तरक्की करे, आप सब निरोग रहें, सुखी रहें, आपके परिवार भी सुखी रहें। और एक बात मैं हर जगह जरूर ये बोलता हूं कि माँ आशीर्वाद दो कि हमारे बच्चे जो नशे का चंगुल फंस रहे हैं, हमारे नशे के चंगुल में, माँ आशीर्वाद दो नशे के चंगुल से आने वाली पीढ़ी बचे। शरीर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, नशा। हमारे बीच हमारे अब बैठिए बैठिए काल रात्रि फिर महागौरी सिद्धिदात्री तमाम जो नौ रूप है मां के, मां के जो नौ रूप हैं, मां दुर्गा के नौ रूप हैं, वो उसकी प्रस्तुति यहां पर जो है वो कलाकार दे रहे हैं। और स्टेशन रोड देखिए चंद्रशेखर नहीं माफ कीजिएगा चंद्रशेखर आजाद क्लब रांची की वो तस्वीर, और ये तस्वीर अभी जो आपने देखा है ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब का है। से क्योंकि तमाम पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं और देखिए कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया का आयोजन किया गया है, कहीं पर जो वीआईपी होते हैं सूबे के मुखिया हैं वो पहुंच रहे हैं, कहीं पर सांसद पहुंच रहे हैं और पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए। रुक करते बात कि राजेश का हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो जो मौजूद है जहां पर वहां पर किस तरह के कार्यक्रम और क्या क्या किया जा रहा है। राजेश अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम चाहेंगे कि जो तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है वो सीधी तस्वीरें दिखाते हुए आप जानकारी दीजिए। रेलवे पूजा स्टेशन पूजा समिति की ओर से जो यहां पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं उसका उद्घाटन हो चुका है। आपने जैसा कि दर्शकों को बताया और दिखाया भी कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और लोकसभा सांसद संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया और अब ये डांडिया की प्रस्तुति हो रही है एक ग्रुप के द्वारा। देखिए एक छोटी बच्ची भी धुन पर थिरक रही है, देखिए क्या क्या है, यही भक्ति भाव, यही श्रद्धा उत्साह इस बार दो साल के बाद
हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो डांडिया ग्रुप की एक प्रस्तुति यहाँ पर रेलवे स्टेशन परिसर में हो रही है, जहाँ पर अभी माँ का दर्शन नहीं शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन अभी होना बाकी है, लेकिन पंडाल का उद्घाटन हो चुका है और दीपक प्रकाश संजय सेठ यहाँ पर है और भी कई लोग हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल यह एक संगीतमय प्रस्तुति, डांडिया की प्रस्तुति हो रही है एक ग्रुप के द्वारा, जिसमें छोटी बच्ची भी है, बड़े लोग भी हैं, युवतियाँ हैं, ये सभी लोग जो डांडिया के जो गीत हैं, जो स्पेशली गीत बने हैं, वो उन्हें यहाँ पर पेश किया जा रहा है पूरे परंपरागत तरीके से। देखिए नवरात्र में डांडिया का बड़ा महत्व है, और खासतौर पर आप देखिए पश्चिमी भारत में इसका आरंभ से प्रचलन रहा, लेकिन अब यह पूरे देश में, यह देश ही नहीं, आप दूसरे देशों में देखें, अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, कनाडा में देखें, जहाँ भी भारतीय लोग हैं नवरात्र मना रहे हैं, वहाँ डांडिया की प्रस्तुति होती ही है। तो एक ग्रुप के द्वारा ये डांस प्रस्तुत किया जा रहा है जो डांडिया है। तो यहाँ पे काफी आगंतुक लोग हैं, एक आप लोग साइड हो जाइए प्लीज, के दिया उठा लीजिए, ये आगे नहीं आने दीजिएगा किसी को, इधर से हमारे अतिथि आएंगे। तो माता का पंकज, आपने देखा कि एक छोटी सी प्रस्तुति थी जो इस अवसर के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है, और हमारे अतिथि सिर्फ आए, यहाँ पर माँ का दर्शन का अवसर आ गया है, पट खुलेगा जिसे हम कहते हैं, पट खुलना, माँ का पट खुलेगा, उसके लिए भी वही गेस्ट हैं, दीपक प्रकाश हैं, संजय सेठ हैं, डिप्टी मेयर हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, पूजा के जो आयोजक हैं वो सभी लोग यहाँ पर हैं। एक भव्य पंडाल यहाँ पर बना है, पूरी तरह से इमेजिनरी सीन क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अब पट खुलेगा। देखिए माँ का जो पंडाल है वो उसका उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए रेलवे स्टेशन पूजा समिति की ओर से ये पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, सभी लोग यहाँ पर हैं, दीपक प्रकाश है, संजय सेठ हैं, मुंचुर राय जो इस समिति के कर्ता धर्ता हैं, वो यहाँ पर काफी समय से ये पूजा होती रही है। और ये पूजा जो है एक अलग रूप में हर साल यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ, तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेशन रोड से एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर हरमू पंच मंदिर से, स्टेशन रोड पर दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ मौजूद हैं, तो हरमू पंच मंदिर पूजा प्रांगण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, सब परिवार मौजूद है। और देखिए कितनी खास बात है कि है ये नवरात्रि का त्यौहार, दुर्गा पूजा का त्यौहार, लेकिन दुर्गा पूजा के इस त्यौहार में भी पूरे भारत को जोड़ने की, पूरे भारत की संस्कृति को दिखाने की पूरी कोशिश रहती है। अब स्टेशन रोड पर आपने देखा कि जो गरबा है, जो डांडिया है, वो गुजरात का है, लेकिन यहां पर उसकी प्रस्तुति की जा रही है, समागम होता है, संस्कृतियों का समागम होता है, वही हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे यहां पर आरती डांस हो रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति, और देखिए हरमू पंच मंदिर में छौ नृत्य की प्रस्तुति यहां पर मुख्यमंत्री के समक्ष की जा रही है। तो संस्कृतियों का सम्मिश्रण भी है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में आप हर तरीके से खुद को आत्मसात करने के लिए कुछ भी आप कर सकते, यानी कि आप संस्कृतियों का ये महासंगम भी हो रहा है, क्योंकि कई तरह की कलाकृतियां जो बनाई जाती है, जो पंडाल का निर्माण होता है वो भी अलग अलग जगह के होते हैं, लेकिन आपको वो एक प्रतिकृति के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर आपके सामने, आपकी आपके शहर में, आपके अगल बगल पहुंच जाते हैं। तो ये समागम भी एक तरीके से है संस्कृति का, ये समागम आप कहें कि अलग अलग थीम, अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बहुत सारे जो उत्पाद है, बहुत सारे चीजों को लेकर ये पंडाल का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नवरात्र का त्यौहार है, दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है, ये पूरे भारत को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं ये भारत की विविधता में एकता वाली बात को भी दिखाता है कि जब आप पूजा का पंडाल बना रहे होते हैं तो उसमें किसी भी जाति, मजहब, धर्म की बात नहीं रह जाती, आप प्रतिकृति कोई भी बना सकते हैं, वो
आप कई बार चर्च बना देते हैं, कई बार आप मस्जिद बना देते हैं, लेकिन आप एक प्रतिकृति बनाते हैं उस पूजा पंडाल को, यानी कि भारत की संस्कृति को भी दिखाते हैं। और देखिए हरमू पंच मंदिर की तस्वीर, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने छऊ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। और आयुष समाज से जुड़े हुए बकरी बाजार से आयुष का भी रुख हम कर लेते हैं। आयुष, बकरी बाजार में फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं तमाम पंडालों में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। बकरी बाजार में इस वक्त क्या हलचल है, क्या तस्वीर है? देखिए पंकज, मैं कहना चाहूंगा कि दुर्गोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है। पंचमी के दिन से ही कह सकते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ ही जो है कह सकते हैं कि दुर्गोत्सव 2022 का शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें 2 साल पाबंदियां थी पंकज, और इसी जगह मैं खड़े होकर तकरीबन 4 से 5 दिन पहले जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ था और कहा गया था कि बारिश होगी, आप मान के चलिए, तय मान के चलिए कि जो दूसरी बेला होती है, सेकेंड हाफ होता है, उस वक्त जो है बारिश होगी, जितने भी कारीगर थे, आयोजक थे, छोटे छोटे फुटकर थे, कारोबारी थे, वो कहीं ना कहीं उदास निराश नजर आ रहे थे। लेकिन भगवान जो होता है वो सब कुछ देखता है। माता जरूर आई हाथी में, लेकिन उन्होंने श्रद्धालुओं की, आयोजकों की, या फुटकरों की, या कहे तमाम लोगों की बातें सुनी। मौसम साफ है, और जो बकरी बाजार, आपको बता दें भारतीय युवक संघ जो लगभग 1958 से लगभग ये आयोजन कर रहा है, उसको जो है वो इस वर्ष तक पहुंचाया है। 2 साल पाबंदियां रही, उसके बाद में यहाँ पर मौजूद रहिए पंकज। जो ये प्रारूप दिया गया है, ये विश्व के सबसे बड़े मंदिर इस्कॉन मंदिर यानी मायापुर जो पश्चिम बंगाल में मौजूद है, उसका आपको बता दें कि ये 2022 में ही बनकर पूरा हुआ है। और चूंकि आपको इस्कॉन इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में ये संस्था चलती है, उसका सबसे बड़ा मंदिर जो है वो मायापुर में है, उसका प्रारूप उतार दिया गया है। इतनी भव्यता है कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा होकर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं जो अभी मायापुर के पश्चिम बंगाल के मायापुर में मौजूद हूँ, और श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दूसरी ओर की भी दिखाएंगे कि जो दुर्गोत्सव 2022 का है वो आगाज इस प्रकार से हुआ कि झूले उले, आपको रंग बिरंगे झूले हों या तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घूमने के लिए अब जो हैं वो आ चुके हैं, वो निकल चुके हैं, और कई लोग जो है तस्वीरें लेते आ रहे हैं, कई लोग जो कह सकते हैं कि सब परिवार पहुंचे हैं, कई अपने दोस्तों के संग पहुंचे हैं, और इस्कॉन के भी जो खास लोग हैं वो जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं अपने सहयोगी मंटू से कहूँगा कि मैं सबसे पहले इस्कॉन के जो संस्था के लोग हैं उनसे पाऊंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मायापुर के बंगाल के मायापुर में है, ऐसा आपको लग रहा है? एकदम सर, हम लोग आए हुए हैं, हम लोग मायापुर से ही आए हुए हैं। जी जी, नहीं नहीं, बारिश तो बारिश, ठाकुर जी की मर्जी है, पर हम तो उस धुन में, मतलब उस लगन में घूम गए, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। ठाकुर जी के साथ ही थे हम। चलिए ठाकुर जी के साथ है। चलिए पंकज, हम आपको दर्शन भी कराते हैं। और जी अच्छा, पंडित जी हैं, इनसे भी बात। अच्छा, अरे कैसे, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन का प्रारूप दिया गया है और सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, आप लोग का सबसे बड़ा धर्म स्थल है? तो देखिए, भगवान की योजना है कि यहाँ पर रांची वासियों को इतना सुंदर मौका मिला है, कोरोना के 2 साल बाद एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पर सब लोग आकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को उजागर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है जिसकी संस्थापना श्री प्रभुपाद जी, जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने किया है। आज इस्कॉन की कृपा से, इस्कॉन की मदद से पूरी दुनिया में भगवान के नाम का, गीता का प्रचार हो रहा है। तो रांची वास्तव में बहुत भाग्यशाली है कि आज ऐसा सुंदर अवसर है कि दुर्गा मैया के दरबार में आज उनके प्रभु श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा है। चलिए पंकज, हम आपको दर्शन भी कराते हैं, हम आपको श्रद्धालुओं के साथ साथ जो है अंदर भी ले चलते हैं। हमारे सहयोगी मंटू आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, भारतीय युवक संघ जो है लगातार 1958 से जो है ये आयोजन करता रहा है, और ये माता का दरबार इस्कॉन मंदिर विश्व के सबसे बड़े मंदिर का प्रारूप दिया गया है। देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, भव्यता माँ की, और माँ की दया भी कहीं ना कहीं, जो कह सकते हैं कि जो 2 साल पाबंदियाँ रही, जो समस्याएँ रही, उससे उबर कर हम निकले, उससे उबर कर हम यहाँ तक पहुँचे ताकि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा आगाज हो सके। एक परिवार पहुँचा है,
सुनिए भाई साहब, चलिए देखिए तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय युवक संघ यहाँ से। अच्छा, आप 2 साल बाद दुर्गा पूजा घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? एक्चुअली भाई मैं 2 साल नहीं 4 साल बाद दुर्गा पूजा घूम रही हूँ। 4 साल बाद? क्यों? जी, क्योंकि मैं इंडिया में थी नहीं, ये 4 साल के बाद मैं इंडिया में हूँ दुर्गा पूजा के टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है कि 4 साल बाद मैं फिर से एक बार दुर्गा पूजा घूम रही हूँ। इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिया गया, कितना भव्यता लेकिन ये कहाँ का इस्कॉन मंदिर है? ये मायापुर बंगाल का। अच्छा, इसमें का सबसे बड़ा मंदिर? ओके, क्योंकि बैंगलोर में तो इस्कॉन मंदिर मैंने देखा है वैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। देखिए श्रद्धालुओं ने बताया कि इमरान भी जुड़े हुए हैं, इमरान का भी रुख कर लेते हैं आयुष। इमरान के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कहां पर मौजूद है। और इमरान, आप कहां मौजूद हैं और कौन सा वो पंडाल है, कौन सी कमेटी का पूजा हो रहा है वहां पर? मेरा नंबर में लगा। पंच मंदिर से अब मुख्यमंत्री की रवानगी हो रही है। यहां पर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, उसके बाद कुछ वक्त गुजारा है, मीडिया से बातचीत की, झारखंड के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी, उनको सम्मानित किया गया और उनके सामने छऊ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का ये छऊ नृत्य काफी प्रसिद्ध है, तो हर एक संस्कृति को भी आप देख। और यही बात हम ये चर्चा हम करते हैं हमारे सहयोगियों के साथ, हम यही चर्चा करते हैं सहयोगियों के साथ कि दुर्गा पूजा, ठीक है दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, लेकिन इस दौरान पूरे भारत को कहीं ना कहीं पिरोने वाली बातें भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि कई बार आप चर्च का रूप देते हैं, कई बार जामा मस्जिद बन जाता है, कई बार कोई स्वर्ण मंदिर बन जाता है, यानी कि पंडाल जब आप बना रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये सनातन धर्म या हिंदू समाज का ही पूजा। देखिए, हम लोग तो हर बार त्योहार में यहाँ आने का हम लोग का परंपरा रहा है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हम लोग पहुँच पाए, 2 साल तक ये बाधित रहा, लेकिन माँ की कृपा से ये पुनः ये परंपरा फिर से जुड़ने का हमें अवसर मिला है। और ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जुड़ाव आगे भी चलता रहे। निकले सावधानी पूर्वक, सावधानी भी बरतें। रवाना हुए हरमू के पंच मंदिर से, लेकिन हम लगातार तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं आपको दुर्गोत्सव की, वहां पर की तस्वीर कैसी, वहां का दरबार कैसा है मां का, वो हम इमरान के जरिए जानते हैं। इमरान, जानकारी आपसे। देखिए बिल्कुल पंकज, बड़े ही उत्साह के साथ इस बार पंचमी के मौके पर, नवरात्र के पंचमी के मौके पर ही पट जो है वो लगभग जगह जो है पूजा पंडालों में खोल दी गई है। राजस्थान मित्र मंडल की हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। एक स्वर्ग लोग और नर्क लोग, ये दो चीजें दिखाने की कोशिश की गई है ताकि जब लोग यहाँ पे पहुंचे तो ये दोनों चीजों का अनुभव ले सके कि नर्क में और स्वर्ग में क्या कुछ अंतर है। आपके कर्म से ही आप इन जगहों पर पहुंचेंगे। कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और जब बुरे कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे, उसी की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। अब से कुछ देर पहले हम जो तस्वीर दिखा रहे थे वो नर्क लोग की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन हम थोड़ी स्वर्ग की भी तस्वीर दिखा दें कि स्वर्ग में की जो तस्वीर है वो किस तरह से बनाया गया है। लोग जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनके हाथों पर मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, चाहे वो माता की तस्वीर लेने की बात करें या फिर बात करें
जिस तरह से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोग बड़े ही उत्साह के साथ, क्योंकि इस बार कोरोना का संक्रमण बेहद कम हुआ है, दो वर्षों के बाद जो उत्साह है लोगों में वो देखने के लिए मिल रहा है। बढ़ चढ़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन के साथ साथ जितनी हो सके अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। आकर्षक डिजाइन जो है पंडाल के वो तैयार किया गया है ताकि जब जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे तो उनकी तस्वीरें जो है अपने मोबाइल पर कैद करे, अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करे, पूजा अर्चना करे, मन्नतें मांगे अपने परिवार राज्य देश के लिए कि कुशल जो परिवार है वो रह सके। ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं लगातार। तो ऐसे में पंकज हम कह सकते हैं कि पंचमी के मौके पर काफी साल पहले जो है वो यहाँ पे ज्यादातर पूजा पंडाल जो है वो खोल दिए गए हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है कि आकर्षक डिजाइन जो है वो बनाया गया है। एक तरफ जहाँ माता को श्रृंगार जो है काफी खूबसूरत किया गया, तो वहीं स्वर्ग की जो तस्वीर है, जो परियों की जो तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से स्वर्ग में जब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो किस तरह से लोग वहाँ पर स्वर्ग का जो तस्वीर होती है वो किस तरह से थे। लोग इस तरह से जब यहाँ पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ भी जो इस पल को कैमरों में कैद कर रहे हैं, अपने मोबाइल पर कैद कर रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव है जो लोग यहाँ पहुंचे। कहाँ से आप हैं, क्या कुछ यहाँ पे देखा आपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये देखने में लगा, और साल से ये साल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अलग है। क्या है ये अलग यहाँ पे? और देखे है कि पूरा यमराज का ये जैसा देवदूत लोग करता है सजा देता है उस तरह का ये सब पूरा दिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल स्वर्ग नर्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से है। मैम किस तरह से आपने पूजा अर्चना क्या से शुरुआत करी? ज्यादातर पट खुल गए हैं, क्या कुछ मन्नतें मांग रहे, किस तरह का अनुभव दिखा यहाँ पे? कोविड के बहुत दो साल बाद हम पंडाल घूमने आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सभी को, काफी अलग तरह का उल्लास है लोगों में और नवरात्र का तो होता ही है हमारे झारखंड में, काफी अच्छे से तरीके से लोग मनाते हैं और लोग पूजा पाठ कीर्तन सब अच्छे से कर। पूजा पंडाल की खासियत आपको क्या लगी? यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है एक तरह का, काफी अच्छा लग रहा है और बाकी से अलग है तो ये पंडाल तो अच्छा लग रहा है। देखिए लोगों को यह पंडाल जो है वो अलग दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लोगों को नर्क और स्वर्ग के जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है उसी तस्वीर के माध्यम से ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। पंकज हम आपको दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं, नर्क के साइड में हम जाकर के दिखाते हैं कि किस तरह से नर्क में जो लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर नर्क लोग की तस्वीर हम दिखाएंगे, वहां पर किस तरह से लोगों को बनाया गया है, किस तरह से वहां पर दर्शाया गया है ताकि जो बड़ी संख्या में जब लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, मीन्स ये सारी चीजें हैं जो काफी लोगों को आकर्षित कर रही है। शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अभी से, चूंकि पंचमी का मौका है और पंचमी के मौके पर ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। ये नर्क लोक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पंकज। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और ये काफी एक अच्छा संदेश है कि आप यहीं पर नर्क है, यहीं पर स्वर्ग है, आपके कर्म कैसे होते हैं वो तय करता है कि आपको कहां जाना है। बिल्कुल शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, राजस्थान मित्र मंडली का संदेश जाहिर सी बात है लोगों को समझ में आनी चाहिए। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश का भी एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राजेश, राजेश का भी रुक कर लेते हैं, आयुष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश तस्वीरें हम देखना चाहेंगे स्टेशन रोड की किस तरीके से है।
आप मौजूद हैं जहां पर बकरी बाजार में, क्या श्रद्धालुओं का भीड़ आना शुरू हो चुका है और मतलब क्या लग रहा है? जैसे कि आमतौर पर पंचमी के दिन इतनी भीड़ तो नहीं लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि दो साल से लोग बेकरार थे, बेचैन थे कि माँ के दर पर पहुंच पाए, मत्था टेक पाए, पंडालों के दर्शन कर पाए, कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा पंचमी के दिन से ही। जी देखिए पंकज, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि दो सालों से जो पाबंदियां थी, जो कह सकते हैं कि वैश्विक महामारी के कारण जो रोक टोक था वो समाप्त हुआ, आर्थिक गतिविधियों को जो है तेजी मिल रही है, और ये जो साल के अंत के जो क्वार्टर जो होता है, चार महीने होते हैं, वही कहीं ना कहीं हमें एक बूम देता है, बाजार में कहीं ना कहीं पैसा लाता है, आप बोनस की बात कर लें या फिर तमाम माध्यमों से। तो देखिए, जो मैंने आपको इससे पहले जो है इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिखाया, कितनी भव्यता से जो है आयोग समिति ने इसे इसका प्रारूप तैयार किया और श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन भी हुआ। लेकिन देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ आर्थिक गतिविधियां अब तेज हो चुकी है, श्रद्धालुओं उतनी संख्या तो नहीं, कह सकते हैं कि आमतौर पर पंचमी के दिन में ये उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे और श्रद्धालु घूमने के लिए निकले हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अठमी, नौमी और विजयदशमी को खास मेला रहता ही है, तो आज से समझ लीजिए कि छह दिनों तक जो है उत्सव का आगाज हो चुका है। तस्वीरें जो है देखिए, जो एक कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से नाव की सवारी कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही दूसरी ओर कह सकते हैं कि ड्रैगन, सुपर ड्रैगन है, उसको वो लगा है, बैलून है, या कह सकते हैं रोलर कोस्टर है। हमारे सहयोगी मंटू दिखाइए किस प्रकार से नवयुवक संघ जो है बकरी बाजार में रोलर कोस्टर लगाए गए हैं, मौत का कुआं हो, वो तमाम चीजें हैं जो नजर आ रही हैं और श्रद्धालु ये तमाम तस्वीरें देखकर निकलेंगे। मुझे लगता है कि आज के बाद एक मिनट यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई परिवार जो हैं आज से ही जो है घूमने निकल चुके हैं, और हम आपको अपने मंटू से कहेंगे कि तस्वीरें एक विगम तस्वीरें दिखाने की प्रयास करें, किस तरह से जो है बकरी बाजार में जो है श्रद्धालु का जो भीड़ है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे जैसे रात बढ़ेगी, जैसे जैसे ही हमारी तस्वीरें जो है लोगों तक पहुँचेगी, लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि जो है ये पंडाल का जो है पट खुल चुका है, हालांकि प्रमुख पंडालों के आज से ही पट खोल दिए गए हैं, तो उनका भी आना शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कल से यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इस प्रकार का भीड़ नजर आएगा। इसीलिए आयोजकों ने ये 5 या 6 दिनों का जो है कार्यक्रम रखा है, ताकि तमाम वो जो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, वो तमाम लोग पहुँच कर जो है पहले से दर्शन कर लें। तो ये तस्वीरें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मौसम का पूर्वानुमान था, कहा जा रहा था कि बारिश होगी, सभी डरे हुए थे, तो ऐसे में मौसम खुला हुआ है, एकदम मौसम साफ है, तो ऐसे में श्रद्धालु जो घर पे बैठे हैं वो बाहर निकले और देखिए भीड़, क्योंकि अभी तक भीड़ कम है, तो आके दर्शन कर ले, तब कहीं ना कहीं आपको अन्य पंडालों को भी कल परसों जो भी है अन्य पंडालों को भी देख पाएंगे। तो दो सालों बाद जो आगाज हुआ है वो बेहद ही आकर्षक है, और जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और लगभग 2 से 3 घंटे ही मैं कह सकते हैं कि पंडाल के अब तक पट खुलने के हुए हैं, 2 घंटे 50 मिनट मात्र हुए हैं, और ऐसे में हजारों श्रद्धालु जो है अब पहुंच चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां तेज हो चुकी है, दुर्गोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है। पंकज, वो लगाई गई है, तो श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है, हजारों सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। मैं 2 घंटे 50 में जो है एक ऐसा माहौल बन चुका है कि एक बार फिर से इमरान के पास चलते हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए, इमरान इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर डीजी भी पहुंचने वाले हैं, ये एक खास बात होगी यहाँ पर। तो देखिये तमाम इमरान कब तक डीजीपी नीरज सिन्हा पहुंचेंगे वहां पर? देखिए राजस्थान मित्र मंडल के पूजा पंडाल का विधिवत तरीके से उद्घाटन जो है वो राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा के द्वारा किया जाएगा, जो
जो सामने गाड़ियों के काफिले जो दिख रहे हैं पंकज, वो डीजीपी नीरज सिन्हा के हैं जो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ऑफिशियली तरीके से एक तरह से कहा है तो पूजा पंडाल का विधिवत तरीके से उद्घाटन कर लिया जाएगा। हालांकि काफी देर ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे थे, बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो उन गाड़ी पर डीजीपी नीरज सिन्हा जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब विधिवत तरीके से पूरे जो है विधि विधान के साथ जो है वो पूजा पंडाल का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। परिवार के साथ पहुंचे हैं, ऐसे में इस जगह पर जो पहुंचने के बाद जिस तरह से उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो अब की जाएगी पूरी तरीके से, एक तरह से कहें तो लोग यहाँ पर काफी देर पहले से इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से पूरी तरीके से इस व्यवस्था को बनाया गया, क्योंकि जिस तरह से इस पूजा पंडाल को यहाँ पे बनाया गया था बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे थे, तो डीजी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है वो नरक लोक का जो वो दृश्य है वो सारी चीजें जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा जो पिछले 43 सालों से 73 सालों से जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है, ऐसे में पूरी तरीके से एक तरह तक कहें तो काफी देर से राजस्थान मित्र मंडल के लोग इंतजार कर रहे थे और अब विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की शुरुआत जो है वो यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि पंचमी के मौके पर आज शहर के ज्यादातर पूजा पंडाल जो हैं उनके पट खोल दिए गए थे और अब जो खुद यहाँ पर डीजी पहुंचे हैं अपने पत्नी के साथ, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ऐसे में श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक आम व्यक्ति की तरह जो है वो डीजीपी पहुंचे हैं और अब इस राजस्थान मित्र मंडल के पूजा पंडाल में जहां जो पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं और उस दौरान जो है वो पूजा अर्चना भी की जाएगी और भव्य तरीके से जो दुर्गा पूजा के इस पावन मौके पर नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, पांचवें दिन राजस्थान मित्र मंडल में जो है वो पूजा अर्चना के मौके पर दुर्गा पूजा के मौके पर पट खोले गए हैं, ज्यादातर पूजा पंडाल के जो पट हैं वो रांची के खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में अब यहाँ पे खुद डीजी नीरज सिन्हा पहुंचे हैं और तमाम जो राजस्थान मित्र मंडल के पूजा समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं ताकि विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि बड़ी लंबी परंपरा है इस पूजा पंडाल की, लगभग जो कई वर्षों से लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, ऐसे में अब जब यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं देख सकते हैं कि अपनी धर्मपत्नी के साथ डीजीपी पहुंचे थे यहाँ पर पूरे परिवार। तो चलिए इमरान फिलहाल आपका शुक्रिया। डीजीपी नीरज सिन्हा भी पहुंच चुके हैं इमरान बता रहे थे और कुछ देर बाद जब उद्घाटन होगा तो उद्घाटन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इमरान तब एक बार फिर से आपके पास वापस आएंगे उस वक्त हम, और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।